हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेश पंडा में और फेसबुक पेज फ्रेश पंडा में। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि पेंट का रिक्वायरमेंट कैसे निकालें, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ पेंट। एस्टिमेशन ऑफ पेंट ऑब्लिक रिक्वायरमेंट ऑफ पेंट। जब भी हम या तो प्रेशर वेसल हो या स्ट्रक्चर हो हम लोग पेंट करते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना हमको पेंट का ज़रूरत है। तो इसको सीखने से पहले हमको सीखना होगा कि पेंट आखिर है क्या, पेंट कैसे बनता है, पेंट में क्या क्या चीज़ होता है। तो पेंट बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ। पहला है रेजिन। पेंट में मेन पार्ट रेजिन है। दूसरा है आपका पिगमेंट, पिगमेंट्स, और तीसरा है एडिटिव्स। एडिटिव्स ये तीन पार्ट्स एक्चुअली मेजर तीन पार्ट्स हैं पेंट की, इसी से पेंट मिलकर बना हुआ है। तो रेजिन्स में क्या होगा, स्टेबलाइजर हो गया, स्टेबलाइजर्स, पिगमेंट में क्या हुआ, एंटी होम्स, और एडिटिव्स, एडिटिव्स में हो गया थिकनर, थिकनर एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, थिकनर एंड सॉल्वेंट्स। ये थिकनर एंड सॉल्वेंट्स क्या होता है, आफ्टर आफ्टर एप्लीकेशन, ये क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, ये क्या होता है, एवोपरेट हो। और तो एवोपरेट होने के बाद इसमें क्या बच जाता है, ओनली ड्राई सॉलिड्स, यानी कि पेंट लिक्विड प्लस सॉलिड्स का मिश्रण है। ये दोनों को मिलाकर, लिक्विड प्लस सॉलिड्स को मिलाकर पेंट बनाया जाता है, जिसमें से ये दोनों सॉलिड्स में होते हैं और ये एडिटिव्स जो होता है लिक्विड्स में होते हैं। तो फाइनली ये वह एवोपरेट हो जाते हैं और फाइनली हमारा ड्राई सॉलिड्स बच जाता है, वो हमारा पेंट होता है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर या वेसल्स या कोई भी इक्विपमेंट है उस पे वो लगता है। तो ये तो हो गया कि हमारा पेंट। अब ये पेंट को हम मेजर करने के लिए या कैलकुलेट जब अप्लाई हम करते हैं तो कैसे हम उसको मेजर करते हैं, क्या उसका टर्मिनोलॉजी है, उसको हम सीखेंगे। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि पेंट जो अप्लाई किया तो उसका क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो वो हर एक पेंटर, पेंट मैन्युफैक्चरर अपना एक डाटा शीट देता है। तो हम सीखते हैं व्हाट इज जो हर एक पेंट मैन्युफैक्चरर अपना डाटा शीट देता है, उस डाटा शीट में उसका सारा टेक्निकल डेटा रहता है, जिसमें आप देखते होंगे वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम, सॉलिड, TFT, WFT, सारा उसमें दिया रहता है। तो व्हाट इज वॉल्यूम सॉलिड्स, हम इसमें सीखेंगे व्हाट इज वॉल्यूम सॉलिड्स। देखिए ये वर्ड से ही सर्वविदित है, वर्ड से ही जान जान में आता है, जानकारी में आता है।
कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब कि जिस वो जो पेंट में कितना परसेंटेज सॉलिड पार्ट है और कितना जो कि एवोपरेट हो जाता है जो कि लिक्विड पार्ट है, तो हम परसेंटेज अगर निकाल लेते हैं तो वही हमारा सॉलिड्स का जो परसेंटेज निकाल लेते हैं तो वही वॉल्यूम सॉलिड्स है। यानी कि पेंट एप्लीकेशन के बाद जो ड्राई होके फाइनली जो सॉलिड्स बचता है उसका क्या वॉल्यूम है कंटेंट, क्या वॉल्यूम कंटेंट है, वही हमारा वॉल्यूम सॉलिड्स है। ठीक है, तो हम अब एक चीज़ बताते हैं हम आपको कि जब आप मान लीजिए कोई एक प्लेट है, इस प्लेट पे आप पेंट स्प्रे करते हैं, तो जब पहले तो ब्लास्टिंग करते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग कर ली, उसके बाद हम इस पे पेंट स्प्रे करते हैं, तो जब हम पेंट स्प्रे करते हैं तो उस समय ये जिस समय स्प्रे करते हैं उस समय इसमें हाथ से टच करते हैं तो क्या होता है, ये गीला महसूस होता है, गीला होता है, सूखा नहीं। तो जिस समय ये गीला होता है, इसमें पेंट एप्लीकेशन किए उसके बाद गीला, तो यानी कि ये वेट फिल्म थिकनेस है, उस समय जो थिकनेस होता है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों रहते हैं, तो इसलिए इसको वेट फिल्म थिकनेस। आफ्टर सम टाइम आई मीन कि कुछ देर के बाद जो उसका क्योरिंग टाइम जो होता है, क्योरिंग टाइम के बाद ये क्या होता है, ड्राई हो जाता है। जब आप टच करेंगे तो आपके हाथ में ये नहीं लगेगा और ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ड्राई फिल्म थिकनेस। वो क्या हो गया, ड्राई फिल्म थिकनेस हो गया, यानी कि सूखने के बाद जो एक परत बन जाता है, एक फिल्म बन जाता है इसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फिल्म थिकनेस। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम लोग DFT मीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम इसका थिकनेस माइक्रोन्स में मेजर करते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं व्हाट इज वॉल्यूम सॉलिड। तो वॉल्यूम सॉलिड क्या हो गया, देखिए जब अप्लाई किए तो भींगा था, भींगने के बाद वो सूख गया, सूखने के बाद क्या हो गया कि उसका DFT कम हो गया, ड्राई फिल्म थिकनेस उसका कम हो गया वेट फिल्म थिकनेस के वजह से के रिस्पेक्ट। तो व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड्स इक्वल टू क्या हो गया, ड्राई फिल्म थिकनेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट फिल्म थिकनेस। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, DFT इंटू 100 बाय WFT। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड्स, यानी कि फाइनली कितना परसेंट सॉलिड का वॉल्यूम प्लेट पे जमा हुआ। तो ये हो गया हमारा क्या, परसेंटेज वॉल्यूम थिकनेस। अब हम इसी जगह से अगर निकालते हैं तो वेट फिल्म थिकनेस WFT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो DFT इंटू 100 और इसी को लिखकर इधर ले आइए परसेंटेज वॉल्यूम थिकनेस, परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड। ये क्या हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड। ठीक है, तो यहां से हम आराम से DFT निकाल, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन करने जाएंगे तो एज पर अप्रूव्ड पेंटिंग प्रोसीजर उसमें दिया रहता है
कि हमको कौन सा पेंट अप्लाई करना है, पेंट का नेम, कितना हमको डीएपी चाहिए, कितना हमको लेयर देना है, ठीक है, यानी कि कोट बोलते हैं उसको, कितना कोट करना है, फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, थर्ड कोट, कितना कोट में हमको कितना डीएफटी चाहिए, फोर्थ की हमारा ये डीएफटी चाहिए, इसको हम मेजर करते हैं। तो फाइनली हमारा जो डीएफटी चाहिए वो प्राइमरी कोट, इंटरमीडिएट कोट और फाइनल, उसको मिला के हमारा इतना डीएफटी। तो हर एक लेयर पे हम लोग पेंट को चेक करते हैं कि कितना डीएफटी हुआ। वो प्रोसीजर में, पेंटिंग प्रोसीजर में पूरे अच्छे तरीके से लिखा रहता है। तो हमको चूंकि उसके बेसिस पे हमको निकालना है कि कितना हमको चाहिए पेंट, इतना मारने के लिए, इतना डीएफटी पूरा करने के लिए कितना पेंट चाहिए। तो हमारा टारगेट वही है कि हम उसको कैसे निकाल पाएंगे। तो उसको निकालने से पहले हम इन सारे टर्म्स को जानेंगे। तो अभी आपने जान लिया कि परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड क्या होता है, ठीक है, वेट फिल्म थिकनेस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्प्रेडिंग रेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडिंग रेट रिलेशन बिटवीन स्प्रेडिंग रेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड, इसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशन के लिए अब देखिए, हमको डीएफटी मालूम है, तो आप हमको बत, हमने आपको बताया कि कैसे वेट फिल्म थिकनेस निकालें। चलिए अब हम स्प्रेडिंग रेट निकालते हैं। स्प्रेडिंग रेट, अब ये क्या होगा, पर स्क्वायर मीटर बाय पर लीटर, यानी कि 1 लीटर से हम कितना स्क्वायर मीटर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन के लिए आपको आएगा परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड। इसलिए हम आपको पहले वॉल्यूम सॉलिड के बारे में बताए, इनटू 10 डिवाइडेड बाय डीएफटी रिक्वायर्ड। अभी आपको कितना डीएफटी रिक्वायर्ड है ये हमको मालूम है हमारे पेंटिंग प्रोसीजर से कि हमको इतना डीएफटी चाहिए, इतना डीएफटी करने के लिए हमको क्या स्प्रेडिंग रेट करना पड़े, 1 लीटर से हम कितना स्क्वायर मीटर हमको स्प्रेड करना है। तो ये हमारा हो गया स्प्रेडिंग, क्योंकि परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड आपको हर एक पेंट के डेटा शीट में मिल जाएगा कि उसका परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड कितना है। अदरवाइज अगर वो नहीं मालूम है, अगर आपको डीएफटी और वेट फिल्म थिकनेस मालूम है तो आप परसेंटेज वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वैसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डेटा शीट रेफर करेंगे, जो भी स्पेसिफिक पेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका डेटा शीट देखकर परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब पेंट करने जाते हैं तो पेंट में हम लोग थीनर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि थीनर मिला देने से पेंट की विस्कोसिटी कमती है, उसका स्प्रेइंग रेट बढ़ जाता है,
वो थोड़ा लिक्विड लिक्विड टाइप का हो जाता है, ढीला हो जाता है, सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कम जाते हैं, तो जिसके चलते उस पर स्प्रे करने में आसानी होती है। हमारे गन से जो स्प्रे होता है वो बहुत स्प्रे गन से आसानी से स्प्रे होता है, तो हम लोग उसमें थीनर मिलाते हैं एक्चुअली पेंट में। तो हम पढ़ेंगे कि थीनर्स का क्या इफेक्ट है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ थीनर ऑन वॉल्यूम सॉलिड एंड वेट फिल्म थिकनेस। अगर हम थीनर, क्योंकि थीनर तो ऐड करना ही पड़ेगा, थीनर ऐड नहीं करेंगे तो फिर का स्प्रे अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर ठंडा का मौसम है तो उसको हीट करना पड़ जाता है पेंट, ताकि उसका लिक्विड फॉर्मेट जो है बना रहे। तो अब हम जब हम थिनर मिलाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, पेंट का वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा थिनर मिला। और बाद में वो थिनर क्या होता है कि एवोपरेट हो जाता है, और एवोपरेट हो जाने से वो वॉल्यूम सॉलिड बचता है। लेकिन अगर हम बिना थिनर मिलाए अगर हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे होने के बाद जो वॉल्यूम सॉलिड बचेगा, और जब थिनर मिला के करेंगे तो जो वॉल्यूम सॉलिड बचेगा वो थोड़ा कम बचेगा, क्योंकि उतना वॉल्यूम ही स्प्रे होगा लेकिन उसमें से एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम सॉलिड उसमें कम बचेगा। तो हम देखते हैं करेक्टेड करेक्टेड परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज थिनर एडेड, यानी कि इसमें कितना परसेंट आप थिनर ऐड कर दिए। तो जितना परसेंट आप थिनर ऐड करेंगे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 5%, 10%, 15%, 50%, जितना भी आप थिनर ऐड करेंगे उतना आपका वॉल्यूम सॉलिड क्या होगा, कम जाएगा। क्योंकि देखिए ये 100 है, ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर थिनर ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है बढ़ेगा और ये वॉल्यूम सॉलिड कमेगा, ठीक है, करेक्टेड वॉल्यूम सॉलिड कम, क्योंकि वॉल्यूम सॉलिड परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड्स जो है वो एक फिक्स डेटा है, फिक्स वैल्यू है, 100 डिवाइडेड बाय 100 है, और जब हम ये ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस है कि ये कम जाएगा। दूसरा करेक्टेड वेट फिल्म थिकनेस, करेक्टेड वेट फिल्म थिकनेस क्या हो जाएगा कि DFT ड्राई फिल्म थिकनेस इंटू 100 डिवाइडेड बाय करेक्टेड परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो करेक्ट होके आया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DFT इंटू 100 डिवाइडेड बाय DFT इंटू 100 100 प्लस थीनर परसेंटेज थीनर एडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड, परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड। आप ये दो तरीके से कर सकते हैं,
डीएफटी इंटू 100 बाय करेक्टेड परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड आप डाल सकते हैं, या डीएफटी इंटू 100 प्लस परसेंटेज थिनर एडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये दो चीज थिनर के ऐड होने के बाद आपको ये दो चीज चेंज होगा, ठीक है। तो ये आप समझिए। अब इसमें अब हम स्प्रेडिंग रेट निकालते हैं। स्प्रेडिंग रेट जब हम थिनर ऐड करेंगे तो क्या स्प्रेडिंग रेट रहेगा? स्प्रेडिंग रेट या आफ्टर एडेड थिनर, अगर थिनर ऐड करते हैं तो स्प्रेडिंग रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर लीटर। तो क्या होगा, आप यहाँ भी लेंगे करेक्टेड, क्योंकि थिनर देने के बाद करेक्टेड हम वॉल्यूम सॉलिड लेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड डिवाइडेड बाय डीएफटी रिक्वायर्ड, क्योंकि डीएफटी तो जो हमको चाहिए वही चाहिए, इनटू 10। तो ये हमारा स्प्रेडिंग रेट हो जाएगा। इस समय जब भी कोई गन से स्प्रे करता है तो कितना स्प्रेडिंग रेट होना चाहिए, एक एक स्क्वायर मीटर में कितना लीटर पेंट स्प्रे होना चाहिए, ये हमको यहाँ से निकल जाएगा। यानी कि अगर ये हमको मालूम हो जाता है कि एक स्क्वायर मीटर में हमको इतना लीटर पेंट लगता है, तो हमारा जितना भी स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया रहेगा तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा थियोरेटिकल पेंट कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि थियोरिटिकल जो भी है कि कितना हमको पेंट लगता है वो निकल जाएगा। अब देखिए कि जब हम कभी भी पेंट स्प्रे करते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्योंकि पेंट 100% जो है कि वो स्प्रे नहीं होता, उसमें से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। पेंट क्या होता है, लॉसेस होता है। अब पेंट लॉस होने का क्या वजह है? तो जितना ये पेंट लॉस होता है तो वह थ्योरेटिकल में हमको उतना लॉसेस को जोड़कर पेंट को का ऑर्डर करना चाहिए, पेंट का रिक्वायरमेंट निकालना चाहिए, ताकि वो लॉस कवर हो जाए और हमारा जितना लीटर पेंट चाहिए उतना लीटर पेंट में हमारा स्प्रे होकर ख़त्म हो जाए। तो पेंट का लॉसेस कैसे कैसे होता है और क्यों होता है? पहले तो पहला तो फैक्टर है कि भाई टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग पेंटेड, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग पेंटेड, माने कि आप किस तरीके के ऑब्जेक्ट को पेंट करना चाहते हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चर है, वेसल है, कॉर्नर है, उसमें बहुत सारा ये तो स्मॉल एरिया है, बिग एरिया है, तो क्या किस तरीके का ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है पेंट का लॉस। क्योंकि स्प्रे करेंगे, मान लीजिए एक प्लेट है, प्लेट पे स्प्रे करने से आपका नीचे नहीं गिरेगा, बहुत कम सा, लेकिन अगर एंगल चैनल बीम को कर रहे हैं तो उसके लिए स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे का एरिया बड़ा है और आपका ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेंट आपका नीचे गिरने का संभावना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ के नीचे पड़ जाता। तो ये ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा है कि मटेरियल नीडेड टू फिल इन द सरफेस डिप्रेशंस कॉज्ड बाय द पीटिंग्स। देखिए मान लीजिए कि जो आपने सैंड ब्लास्ट किया या ग्रिट ब्लास्ट किया तो उसमें से इम्प्रेशंस बनते हैं, तो उस इम्प्रेशन में एक होल्स होता है और छोटा छोटा होल्स हो जाता है, तो
उसको फील करने में, या फिर पीटिंग्स है उसको एब्रेसिव के चलते जो पीटिंग्स आ गया उसको फील करने में भी आपका पेंट का वॉल्यूम जाता है। तो मटेरियल नीडेड, मटेरियल नीडेड टू फिल, नीडेड टू फिल इन द सरफेस, इन द सरफेस डिप्रेशंस, डिप्रेशंस कॉज्ड बाय पीटिंग्स, कॉज्ड बाय पीटिंग्स एंड एब्रेसिव्स ब्लास्ट, छोटा छोटा होल्स बन जाता है उसमें भी चला जाता है। तीसरा हो गया एक्सेसिव फिल्म थिकनेस। आप कितना भी कंट्रोल करके करें लेकिन आप मैनुअली कर रहे हैं तो कहीं पे फिल्म थिकनेस ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे फिल्म थिकनेस कम है। तो एक्सेसिव फिल्म थिकनेस जहाँ पे हो गया तो वहाँ तो आपका पेंट लॉस हुआ, उसमें ज़्यादा पेंट लग गया, ठीक है। तो एक्सेसिव फिल्म थिकनेस ओवर द रिक्वायर्ड मिनिमम, ओवर द रिक्वायर्ड मिनिमम। तो इसमें एक्सेसिव पे भी लग जाता है। चौथा पॉइंट हो गया मटेरियल लॉस ड्यू टू वेस्टेज इन मटेरियल लॉस ड्यू टू वेस्टेज इन होसेस पॉट्स। अब डब्बा में बहुत सारा पेंट रह जाता है, होजेस में रह जाता है, रोलर्स में लगा रह जाता है, मिक्सिंग करते हैं उस बॉक्स में रह जाता है, विंड लॉस हो जाता है, विंड लॉस कैसे हो, मान लीजिए स्प्रे कर रहे हैं हवा तेज चली तो आपके मटेरियल पे डायरेक्ट नहीं पड़ कर स्प्रे टच नहीं कर करके वो डाउन उसके नीचे गिर जाता है तो वो विंड लॉस भी हो जाता है। मेजर रोल जो होता है स्किल, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए स्प्रे पेंटर, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्प्रे पेंटर। जो पेंटिंग कर रहा है उसका कैसा एक्सपीरियंस है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना लॉसेस होता है। सिक्स्थ नंबर है पोरोसिटी ऑफ सरफेस। अगर पोरोसिटी आया तो फिर उसको आप कट करते हैं, पेंट को निकालते हैं फिर, क्योंकि हमारा जो पेंट का सरफेस है उसको कंटिन्यूस होना है। कंटिन्यूटी अगर नहीं मेंटेन होता है वो फेल हो जाता है, हॉलीडे टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि उसमें पिन होल्स आ जाते हैं। तो पोरोसिटी ऑफ सरफेसेस, पेंट सरफेसेस में पोरोसिटी आ जाता है तो इन सब में लॉसेस होता है। अब देखिए एक्चुअली ये थर्ड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन तो हम कर लेते हैं एज पर दिस फॉर्मूला, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत सारे और लॉसेस होते हैं। एप्लीकेशन बाय अगर ब्रश करते हैं
ब्रश और रोलर, तो हम कितना लेते हैं, 10 to 15% रिडक्शन इन थियोरेटिकल स्प्रेडिंग रेट। ये होता है रिडक्शन इन थियोरेटिकल स्प्रेडिंग रेट। अगर एप्लीकेशन बाय एयरलेस स्प्रे करते हैं, एयरलेस स्प्रे मशीन, तो हम 10 to 15% यानी कि रिडक्शन इन थियोरेटिकल स्प्रेडिंग रेट में रहता है। अगर कन्वेंशनल स्प्रे करते हैं, कन्वेंशनल स्प्रे करते हैं, तो 40 to 50% क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज थियोरेटिकल स्प्रेडिंग रेट। तो हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं जब हम प्रैक्टिकल परसेंट पेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, अब सारे इन सारे चीज़ों को समझने के बाद हम अब समझते हैं फाइनली कि अभी हम प्रैक्टिकली कितना हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कितना हमको पेंट चाहिए। अब हम फाइनली एस्टिमेशन ऑफ पेंट रिक्वायरमेंट पे आते हैं। इतना चीज जानने के बाद हम फाइनली, तो इसका एक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पेंट्स, कितना चाहिए भाई प्रैक्टिकली इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो हम 10 इंटू एरिया जो कि स्क्वायर मीटर में रहेगा, ठीक है, इंटू DFT डिवाइडेड बाय, देखिए हमने निकाला था स्प्रेडिंग रेट, उसी में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया, इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड इनटू 100 माइनस परसेंटेज वेस्टेज, ठीक है, कितना परसेंट वेस्टेज होता है इसको आप कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि वेस्टेज में बताया कि अगर रोलर ब्रश से अगर 10 to 15 लें, अगर एयरलेस स्प्रे करते हैं 10 कन्वेंशनल करते हैं तो 40 to 15% आप ले लें। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम वॉल्यूम ऑफ पेंट आराम से निकाल सकते हैं। आपको ये तो कॉन्स्टेंट टर्म में 10, और ये एरिया आपको कहाँ से मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा कितना सरफेस एरिया को आपको पेंट करना है वो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। DFT आपको कितना चाहिए वो DFT दिया हुआ है कि इतना इतना DFT हमको रिक्वायर्ड है। परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड्स आपको मिल जाएगा कि आपको पेंट पेंट के डाटा शीट से, और 100 माइनस परसेंटेज वेस्टेज आप वेस्टेज कंसीडर कर लें जो कि हमने आपको बताया। तो फाइनली हम यहाँ तक रीच कर गए कि वॉल्यूम ऑफ पेंट हमको कितना चाहिए। उसके लिए हमको सबसे पहले सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, और हम DFT रिक्वायरमेंट है वो उससे मिल जाएगा,
और परसेंटेज वॉल्यूम सॉलिड हमको डेटा शीट से मिल जाएगा और वेस्टेज परसेंट हम कंसिडर। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट करके लिखें, हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आपको जानकारी मिले वो आपके दोस्तों को भी मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।